अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे गुजरने वाला हर पल अपनी अच्छी और बुरी यादें छोड़ जाता है हालात के मुताबिक, ऐसे ही प्लांट्स लवर के लिए हर मौसम अपनी अच्छी यादें छोड़ जाता है, और खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए या कुछ ऐसा गलत हो जाए जो गम की सूरत में इंसान को मिले, तो भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वक़्त कभी भी एक सा नहीं रहता। अगर आज गम है तो कल खुशियां ज़रूर आएंगी। अच्छे बुरे वक़्त के साथ अच्छे तरीके से सब्र व तहम्मुल के साथ गुजारा करना बहुत अच्छी बात है, और शायद सब्र के सिवा इंसान के पास चारा भी तो कोई नहीं होता। तो जैसे गुज़रता हुआ हर पल हमारे साथ बहुत अच्छे ख्यालात और अच्छी यादें छोड़ जाता है, इसी तरह से गुज़रते हुए मौसमों के जो प्लांट्स होते हैं, फूल होते हैं, वो भी हमारे साथ अपनी अच्छी यादें छोड़ जाते हैं, क्योंकि जो समर सीज़न के प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो सर्दियों की ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आहिस्ता आहिस्ता से सीड्स बनके तो अपनी एक तरह से अच्छी यादें हमारे पास छोड़ते हैं सीड्स की सूरत में, तो ख़ुद प्लांट्स मरने लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होके डेड हो जाते हैं। इसी तरह से जो विंटर सीज़न के फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं खूबसूरत से, उनके साथ भी यही मामला होता है कि जैसे जैसे समर सीज़न स्टार्ट होता है तो वो मुरझाने लगते हैं, अपने सीड्स की शक्ल में हमारे पास अच्छी यादें छोड़ के, तो वो मौसम के पेश नज़र हमें बाय बाय कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट सीज़न में हम उन सीड्स को ग्रो करें और दोबारा से उन प्लांट्स के साथ मौसम को एंजॉय करें, वक्त को एंजॉय करें, और बहुत अच्छे से अपना जीवन जिएं। तो इन्हीं फ्लावर्स में से एक फ्लावर्स हैं ये गजेनिया के। गजेनिया का भी अब मौसम ऑफ हो चुका है, तकरीबन हो ही रहा है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते ये प्लांट। ये देखें साइज़ फूलों का कितना छोटा हो गया है, और वैसे भी कुछ शाम का वक़्त है, तकरीबन 6 बजे का टाइम है अब, तो जो फ्लावर्स खिले हुए थे वो भी बंद हो गए हैं। तो मैं ऊपर आई छत पे, टेरेस गार्डन पे, तो ये देखें मेरे काफ़ी सारे गजेनिया के जो प्लांट्स हैं ना, उन पे यूँ सीड पे आउट बन के तो तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं कि हमें अब प्लांट से उतार के तो अपने पास नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लिया जाए। कुछ तो ये देखें यूँ बिखरे पड़े हैं फर्श पे इस तरह से। तो चलें हम किस तरह से गजेनिया के सीड्स को सेव कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। इस तरह से यूँ आहिस्तगी से इनको अलग कर लेना है, चाहे तो आप यहाँ से शुरू से स्टेम काट के तो फिर सीड्स निकाल लें, या इसी तरह से आप प्लांट के साथ से, ये देखें ये सीड पॉट जो है ये खाली हो गए, और ये वाले सीड सारे इस वाली सीड पॉट के साथ चिपके हुए हैं सारे के सारे, कुछ नीचे बिखर गए हैं। तो गजेनिया के जो सीड्स होते हैं यूँ देखें,
ये भी जरबेरा फ्लावर्स के सीड की तरह बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, बिल्कुल नाजुक से होते हैं जो हवा से बिखर जाते हैं। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं। तो यूं इसके सीड्स को हम कलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। और आपने शायद नोट किया है कि मैंने ये सारे सीड पॉट अपने प्लांट्स के ऊपर ही पकने दिए हैं। जब ये सीड पॉट पक के यूँ ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो इस तरह से खुद ही निकल जाते हैं इसके सीड कवर में से, इस तरह से। मैं तकरीबन सभी रंगों के इकट्ठे ही सेव कर रही हूँ। आप चाहें तो आप अलग अलग कलर्स के प्लांट्स पे से अलग अलग थैलियों में सीड सेव कर सकते हैं, और उन पे नाम लिख लिख के कि ये कौन से कलर का है, ये कौन से कलर का है, तो आप अपने पास सेव कर सकते हैं इस तरह से। देखें, और रात भी चूँकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है, सुबह जब मैं नमाज के लिए उठी तो मैंने अपने टेरेस पे से बाहर देखा, हर तरफ जल थल था। सड़क पे भी तकरीबन 1.5 फुट के करीब तो पानी खड़ा ही था ना हर तरफ। तो यूं आज प्लांट्स को मैंने पानी भी नहीं दिया, और सुबह तो मैंने देखा कि चंद एक सीड पॉट पके हुए थे, और अब शाम को तकरीबन काफ़ी सारे सीड पॉट खुले पड़े हैं और बहुत से सीड्स हवा के साथ इधर उधर बिखर रहे हैं। इस तरह से इसके स्टेम ब्राउन होके तो खुद ब खुद सीड्स इसमें से निकल जाते हैं। तो यूं आप इनको कमरे वगैरह में या जहाँ पे तेज़ हवा ना हो, उस जगह पे एक आध दिन खुला रख के, तो फिर आप इनको पॉलीथीन बैग वगैरह में डाल के सेव कर लें, या जो शीशे के या प्लास्टिक के जार्ज होते हैं उनमें डाल के आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप नेक्स्ट सीज़न में अपने पास जरबेरा के, ये इसके गजानिया के प्लांट्स ग्रो कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें, बिल्कुल नरमो नाजुक रुई की तरह से हैं। ये देखें, ये वाला भी खुल के ये सारे के सारे सीड्स खुद ही नीचे गिरे पड़े हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये मेरा टमाटर का प्लांट है जिसपे माशाल्लाह देखें अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। और ये डॉग फ्लावर्स, इस तरह से गार्डन में फूलों को देखते हुए वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।